मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले हेल्थ रिकॉर्ड नाम था। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जहां सत्तासीन बीजेपी और जेजेपी मिलकर कई प्रकार की साजिश रच रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने पूरी तरह से एकजुट होकर बड़ौदा चुनाव जीतने की तैयारी कर ली है। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक रोहतक में हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी की पहचान को लेकर किए गए सवाल पर करारा जवाब दिया। हुड्डा ने मुख्यमंत्री से ही पूछ लिया कि सीएम बनने से पहले उन्हें भी कौन जानता था। वहाँ पर जो है एक हवा बन रही है और मुख्यमंत्री जी ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को कोई नहीं जानता। ये कैसे जानेगा, वो तो एक गरीब परिवार से है, किसान परिवार से है, कौन जानेगा भाई। का मतलब मुख्यमंत्री जी किसान और गरीब को नहीं जानते। तो मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई कांग्रेस के उम्मीदवार तो कोई नहीं जानता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने उनसे पहले हेल्थ रिकॉर्ड जानता है। ये तो मौका मिलेगा, गरीब जान होता उसकी कार्रवाई होगी, देखा जाएगा, चुना जाएगा, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, फिर पता लगेगा। एक मौका मिला था, मेरा यही है, एक वो एक गरीब परिवार से है, किसान है, और ये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस करता है कि कार्यकर्ता को देकर। बड़ौदा उपचुनाव के दौरान बीजेपी को एक के बाद एक मिल रहे झटकों से परेशान होकर अब उसके नेता कोई भी बयानबाजी देने और साजिश रचने में पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन बड़ौदा के लोगों का भूपेंद्र हुड्डा के प्रति लगाव और प्यार के आगे उनका कोई भी पैतरा काम नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़ौदा की जनता अच्छे से जानती है कि उसका हित किस नेता के साथ है।